कैसे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 5 की एंड्रॉयड ओरियो अपडेट के बारे में। जी हाँ, एंड्रॉयड ओरियो अपडेट इस डिवाइस में आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस के अपडेट के साथ और क्या क्या नया फीचर्स आया है आज मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। जी हाँ, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा Xiaomi Redmi Note 5 की ओरियो अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, Xiaomi Redmi Note 5 इस डिवाइस में एंड्रॉयड ओरियो अपडेट आ गया है। आप अगर इस डिवाइस के यूजर्स हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। आपको अगर पता नहीं है एंड्रॉयड ओरियो अपडेट आ गया है तो फ्रेंड्स, आप अपनी डिवाइस की सेटिंग में जाइए, उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाके आप चेक करिए, आपको ओरियो अपडेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको ओरियो अपडेट नहीं मिला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिवाइस का जो IMEI नंबर है उसके पैच वाइज ही ये अपडेट मिलता है। जी हाँ, पैच वाइज मिलता है। अगर अभी नहीं आया तो 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते अंदर जरूर मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस अपडेट का कुछ फीचर्स एंड कुछ इसका कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस ये जो डिवाइस Xiaomi Redmi Note 5 बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है इंडिया में, एंड ये डिवाइस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड 7.1 नॉगट के साथ। जी हाँ, एंड्रॉयड 7.1 नॉगट के साथ ये डिवाइस लॉन्च किया गया था, एंड साल की एंड तक इसमें ओरियो अपडेट आ गया है। ओरियो अपडेट में आपको MIUI 10 के साथ ही आ रहा है। जी हाँ, मतलब इसका जो UI का एक्सपीरियंस है ये भी आपको नया मिलने वाला है, एंड इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी नया मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आपकी जो एक्सपीरियंस होने वाला है बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस ओरियो अपडेट का जो साइज है 1.3 GB। जी हाँ, 1.3 GB साइज है इसका। 1.3 GB डाउनलोड करने के लिए शायद आपको मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 GB आप डेटा बैलेंस रखिए, एंड बैटरी फुल चार्ज करके उसके बाद ही अपडेट करिए। इंटरनेट स्पीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसका जो बिल्ट वर्जन है जो आपको मिलने वाला है ओरियो के साथ, वो आपको बता देता हूँ। V10.3.30.ODAMIFI इसका जो वर्जन है ये आपको मैं बता दिया, एंड इसका जो साइज है 1.3 GB इसका साइज है। फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है स्नैपड्रैगन 625 के साथ लॉन्च किया गया था, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसका जो बैटरी है फ्रेंड्स, 3300 mAh की बैटरी है, एंड इसमें आपको एड्रीनो 506 का GPU देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर हम बात करें इस अपडेट में आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इस अपडेट के साथ आपको इसका जो UI है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बैटरी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, नेटवर्क जो कैपेसिटी है इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड फ्रेंड्स इसका जो सेटिंग है, नेविगेशन बार है, ये सब कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एंड इसके इस अपडेट को करने के बाद आपके जो मोबाइल की जो स्मूथनेस है वो भी बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस अपडेट के साथ बहुत सारे बग्स भी फिक्स किया गया है कंपनी की तरफ से। ओवरऑल ये अपडेट Redmi Note 5 के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट था, एंड Redmi Note 5 यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है, साल की एंड तक यह अपडेट आपको मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड फ्रेंड्स आपको अपडेट मिला है या नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड आपको अगर कभी कुछ सवाल है तो फ्रेंड्स वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर भी शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का भी दबा देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।